करेंगे भाव, ये आपका प्राइस लिस्ट बनाना। देखिए प्राइस लिस्ट की जरूरत कब होती है, किस सिचुएशन में होती है। अगर मान लीजिए हमारा काम थोड़ा व्यापक तौर पे है, अलग अलग तरीके का कस्टमर हमारे पास आता है, तो सबके लिए रेट अलग अलग निर्धारित करना होता है। जैसे अगर आपका होलसेल का बिजनेस है, तो आपके पास कोई जरूरी नहीं है कि जो कस्टमर आएगा वो दुकानदार ही होगा, माल सप्लाई करने वाला ही होगा, ऐसा नहीं है। वो खुदरा कस्टमर भी आ सकता है। तो क्या आप रेट जो दुकानदार के लिए लगाते हैं, क्या वही रेट कस्टमर के लिए लगाइएगा, जो उपभोक्ता है उसके लिए लगाइएगा? नहीं ना। हमें क्या होता है, रेट को अलग अलग लेना होता है। तो उसके लिए हम अपने टैली में एक ऑप्शन देता है कि हम प्राइस लिस्ट को सेट कर सकते हैं। इससे एक और चीज होता है कि कोई वस्तु हम कितने में खरीद के लाए हैं और कितना बेनिफिट लेके हमको बेचना है, वो हम निर्धारित कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि जब हम वस्तु को बेचेंगे तो हमको वहां पे याद रखने की जरूरत नहीं होगी कि इसका रेट कितना लगाना है, वो ऑटोमेटिक रेट लगा लेगा। अब ये कैसे होता है, सबसे पहले हम किसी भी वाउचर्स में चलते हैं। यहाँ पे आइए, वाउचर्स में चलते हैं। वाउचर सेल्स वाउचर हमारा खुला हुआ है। F11 में आइए, F2 कीजिए हम इन्वेंट्री के लिए। और यहां से देखिए, यूज मल्टीपल प्राइस लेवल, ये वह है, इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी अभी क्या है, नो है। हम यहाँ करेंगे यस। तो यहाँ पे आपका पूछेगा कि कितने तरह का वाउचर आपको लिस्ट बनाना है, कितने तरह का वाउचर लिस्ट बनाना है। अगर आपका होलसेल का है तो आप बना सकते हैं, तीन तरह का बना सकते हैं। किसके किसके लिए, तो एक सेमी होलसेलर, यानी वो दुकानदार जो हमारे पास से माल ले जाता है और वो भी दुकानदार को ही सप्लाई करता है, छोटे छोटे दुकान वाले को सप्लाई करता है। एक बना सकते हैं केवल शॉपकीपर के लिए, यानी कोई दुकानदार है जो हमारे पास से माल ले जाकर के खुदरा में बेचता है। और एक बना सकते हैं कस्टमर के लिए, जो जनरल कस्टमर आया और खुदरा सामान आपसे ले गया। इस तरह से हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अभी आपको आज एक ही बना के दिखाएंगे, अगले क्लास में देखेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम मल्टीपल बना के दिखा देंगे। तो यहाँ पे हम बना दे रहे हैं, किसके लिए बना दे रहे हैं, आज हम बना रहे हैं सेमी होलसेलर के लिए, है ना। यहां से हम कर दिए सेमी होलसेलर, सेमी होलसेलर। अगर आपको नहीं एक ही रखना है तो एक रख दिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको यहीं पे आज तीनों लिस्ट बना लें, तो यहां पे हम कर दिए शॉप कीपर, यहां पे कर दिए कस्टमर, हो गया। यहां से कर दिए कंट्रोल से एक्सेप्ट, और यहां पे भी कर दिए कंट्रोल से एक्सेप्ट। अब जैसे ही हम प्राइस लेवल को ऑन किए, अब हमारा देखिएगा यहां पे आप आइएगा तो इन्वेंट्री इन्फो इंटर कीजिएगा, तो यहां पे आपका प्राइस लेवल नाम का एक ऑप्शन आ जाएगा। आप थोड़ा सा इसको इधर कर लीजिए। अब यहां पे देखिए प्राइस लिस्ट आ गया। अगर हमारा वहां ऑफ होता ना तो ये प्राइस लिस्ट का ऑप्शन नहीं शो करता। अब हम यहां प्राइस लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा पूछेगा कि भाई कौन से आइटम के लिए आपको करना है, किसी एक पर्टिकुलर आइटम कि ऑल आइटम। हम यहां जब भी लेंगे क्या लेंगे, ऑल आइटम लेंगे। अगर एक लेते हैं तो केवल उसी आइटम पे हमारा लिस्ट बनेगा। यहां से ऑल आइटम ले लिए। प्राइस लेवल किसके लिए बना रहे हैं, देखिए जो लिस्ट हम वहां पे क्रिएट किए थे, आगे हमारा यहां पे शो कर रहा है लिस्ट प्राइस लेवल। हम किसके लिए आज बनाना चाहते हैं, तो सेमी होलसेलर के लिए इंटर। और ये कब से लागू हो जाए, तो जो आपका फाइनेंशियल ईयर होगा उसका ये शुरू का डेट ले लेगा, 31 मार्च 2023। इंटर कर लेंगे। अब यहां आ गया हमारा आपका लिस्ट बनाने का बॉक्स। अब यहां ये क्या कह रहा है वो देखिएगा, ये हमारा ऑल आइटम के लिए है। प्राइस लेवल किसके लिए है जी, सेमी होलसेलर के लिए है। कब से अप्लाइड है ये, तो हमारा इस डेट से अप्लाइड है। अब सीरियल नंबर एक, पार्टिकुलर में हमको वो वस्तु लेना होगा जिसका लिस्ट सेट करना है। आपके पास देखिए इतने सारे लिस्ट बना हुआ है, आटा का है, चावल चना दाल है, चावल है, शैम्पू है, सरसों ऑयल है और सौफ है। हम यहां से कोई भी चूज कर लिए, पहले आटा का ही ले लेते हैं। जैसे आटा लेंगे तो हमको ये बताएगा कि हम इतने का खरीद के लाए हैं। अब ये कहिएगा कि सर हम तो पहले आटा जो खरीदे थे अलग अलग रेट खरीद के लाए थे, लेकिन दशमलव में तो हमारा था नहीं वैल्यू,
अब देखिए ये क्या करेगा, आप मान लीजिए एक बार 42 के खरीद कर लाए, एक बार 43 का खरीद कर लाए, तो यहाँ जो रेट दिखाएगा वो दोनों का औसत दिखाएगा, दोनों का एवरेज निकाल देगा कि टोटल आटा जो आपके पास अवेलेबल है उसका खरीद रेट इतना पड़ रहा है। यानी अगर 42 का हमारे पास 20 के जी पड़ा हुआ है और फिर हम जाकर के 40 का लेके आ गए 2 क्विंटल, तो वो रेट टोटल अमाउंट, फिर नया रेट और टोटल अमाउंट दोनों को करके और टोटल जितना क्वांटिटी हुआ उससे डिवाइड करके बताएगा कि आपका आटा इतने का भी है स्टॉक में, ये रेट का, समझ में बात, औसत ये निकाल देगा। तो हमारा आटा का खरीद रेट कितना पड़ रहा है, 41 रूपए 83 पैसे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दिया है फ्रॉम और लेस देन, फ्रॉम हमेशा जो पहला होगा आटा का ये जीरो से स्टार्ट होगा, ब्लैंक है का मतलब जीरो से कहां तक, लेस देन का मतलब से कम। हम यहाँ पे हम किसके लिए बना रहे हैं जी, होलसेलर के लिए बना रहे हैं, सेमी होलसेलर के लिए। तो यहाँ तो हम केजी में उसको देंगे कि 10 केजी 12 केजी, तो 10 केजी बेचेंगे उससे, जब वो जाकर के माल किसी दुकान को देगा तो यहाँ पे हम उसके क्या बनाएंगे, ज्यादा बनाएंगे। तो यहाँ पे हम कर दे रहे हैं 50, यानी कि अगर वो 50 केजी से कम तक का ले रहा है तो रेट क्या रहे, तो हम रेट लगा दिए, हमारा रेट 42 का खरीद का पड़ रहा है, 41.83 है यानी 42 मान के चलते हैं हम, तो हम उसको रेट लगा रहे हैं 44 का या 45 का कर देते हैं, 45 का रेट हम उसको देंगे इंटर। अगर आप कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं तो यहाँ पे डाल दीजिए, वो डिस्काउंट भी वहां पे ऑटोमेटिक लग जाएगा, हमको कोई डिस्काउंट से नहीं देना है इस पर। फिर यहाँ से आ गए हम, अब यहाँ पे ऑटोमेटिक जो हम यहाँ पे 50 केजी लिए थे वो यहाँ आ गया, अब 50 से 100 केजी तक, तो यहाँ हम डाल दिए 50 से 150 केजी तक अगर वो लेगा तो हमारा किस रेट से लगेगा, तो 44.5 के हिसाब से, यानी 44.5 का रेट लगेगा, है ना, यहाँ कर दिए। फिर यहाँ पे कर दिए कि अगर 150 से ऊपर ले रहा है इन्फिनिटिव, यानी 150 से ऊपर जितना भी ले वो, हम यहीं पर रोक देते हैं लेवल को, तो यहाँ 150 से ऊपर खाली छोड़ देने का मतलब 150 से ऊपर जितना भी बोले, तो हमारा रेट लगे 44 का, और यहाँ पे हम दे दिए कि भाई उसको आधे परसेंट का डिस्काउंट भी मिलेगा, यानी क्वांटिटी अधिक लिया तो उसका रेट कम हो जाएगा। अब जैसे ही हम आटा का ले लिए, आटा का लिस्ट हमारा दिए, यहाँ से देखिए लिस्ट से आटा हमारा गायब हो जाएगा क्योंकि इसका हमारा लेवल बन चुका। बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम लेते तो और आगे बढ़ते जाता, जितना आप बढ़ाते जाइए, बिल्कुल छोड़ेंगे तभी दूसरे क्वांटिटी को लेगा, दूसरे आइटम को वो लेगा। अब यहाँ से हम ले लिए जैसे चना दाल इंटर, अब यहाँ पे हमारा देखा है चना दाल इस रेट से पड़ा हुआ है, जीरो से लेकर अगर 30 केजी तक वो ले रहा है तो हम रेट लगा दिए 110 का, हो गया, यहाँ पे हमारा डिस्काउंट नहीं रहेगा। 30 से लेकर अगर वो 100 केजी तक ले रहा है तो उसका रेट होगा 106 का, और 100 केजी से ऊपर अगर ले रहा है तो होगा 106 का ही, लेकिन उसको 1% का डिस्काउंट मिलेगा। इसी तरह से हम अगले आइटम को ले लिए चावल, यहां से हम ले लिए कहां से 50 केजी तक अगर लेगा तो रेट हमारा है 49 का, हम उसको कर दिए कि 56 का रेट देंगे, यहाँ पे हो गया। फिर 50 से ऊपर हम कर दिए 100 केजी तक का, उसका रेट क्या लगेगा आपका, तो 55 का लगेगा। ध्यान एक चीज और देना होगा कि जब हम लिस्ट बनाएंगे तो जो हम शॉपकीपर के लिए बनाए वो हमारा कभी भी सेमी होलसेलर से कम ना हो, या जो कस्टमर का बनाए वो शॉपकीपर से कम ना हो। अब सोचो एक बात कि कोई प्रोडक्ट हम उस व्यक्ति को दे रहे हैं जो जाकर के दुकानदार को देगा, उसको दे दिए 10 रूपये में और कस्टमर का बना दिए 9 रूपये में, क्या सही होगा वो रेट, नहीं होगा। तो ये पहले एक हमें मैनुअल बना लेना होता है, कागज पे क्रिएट कर लेना होता है ताकि कोई गलत ना हो, ये ना कि डायरेक्ट बैठ करके बना दिए सॉफ्टवेयर पे। सेमी होलसेलर का मतलब हम वो होलसेलर नहीं है लेकिन वो माल उठा करके दुकानदार को सप्लाई कर रहा है, वो कस्टमर को नहीं बेच रहा है। जैसे मान लीजिए हमारा होलसेल का ही दुकान है लेकिन बड़े स्तर पे नहीं है, छोटे स्तर पे, छोटे छोटे दुकान वाले आकर के हमसे माल लेते हैं और वो जाकर के क्या करता है, किसी बड़े दुकान से लाता है माल। डिस्ट्रीब्यूटर भी एक होता है ना,
तो अगर अगर अलग अलग लेवल का, अब मान लो कि आप केवल शॉपकीपर है, केवल आपका एक दुकान है कस्टमर के लिए बनाना है, तो चार तरह का तामझाम करने का जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम एक को बना देंगे किसके लिए, कस्टमर के लिए, और एक ही बार में लिस्ट बना देंगे, हमारा फाइनल हो जाए। आई बात समझ में? अब यहां से हम कर दिए 100 केजी से अगर ऊपर ले रहा है तो यहाँ पे हमारा कितने का होगा, तो आधा परसेंट का डिस्काउंट होगा, हो गया। हाँ ले तो लेगा ही, वो ऊपर वाला ही रेट ले लेगा, हम यहाँ से 55 का लगा दिए, हो गया ना। अब हम तीन ही आइटम का भी सेट करके रख देना चाहते हैं, तो यहाँ इंड ऑफ लिस्ट है, अभी उसी पे हमारा सिलेक्शन पॉइंट है, इंटर कर देंगे। यहाँ हमारा कहेगा कि एक्सेप्ट कर लें, यस ये एक्सेप्ट हो गया। अब हम चाहते हैं कि रेट लिस्ट चिपका दे दुकान पे, कि कोई आए तो हमसे बार बार पूछे नहीं, प्रिंट आउट करके चिपका दें, कोई आए तो कितना आइटम लेगा तो उसको रेट कितना पड़ेगा, तो हम रेट को चिपका सकते हैं। कैसे करेंगे जी हम? तो फिर से हम यहाँ से आ गए इंटर, और यहाँ से आर्ट और पी, लेकिन देखिएगा क्या करेगा, टैली बहुत स्मार्ट है, हमारा जो खर्चा और रेट है वो छुपा देगा। यहाँ से वाई करेंगे और आर्ट जेड करके देखिए, तो यहीं तक को प्रिंट देगा, ये हमारा खर्चा हुआ रेट क्या कर देगा, छुपा देगा। सोचो कि हमारा खर्चा हुआ रेट अगर दिखा दे तो कस्टमर बोले 96 के खर्च कर लेके 1700 बेच रहे हैं, हटता फायदा है कि नहीं, तो ये हमारा रेट को क्या करेगा, छुपा देगा। और इस तरह से जितने भी आइटम हैं आप उसका प्राइस लेवल बना सकते हैं। अब चल के हम सेल करके देखते हैं हमने क्या क्या चीज का बनाया है जी, ध्यान दीजिएगा, आटा का, चना दाल और चावल। अब हम बाहर आ जाते हैं और हम चलते हैं भाउचर्स में और सेल करते हैं। यहां से आ गए, यहां से पार्टी नेम कैश हो गया, कंट्रोल ए कर लिए, यहां से हमारा किसके लिए है, ये प्राइस टेबल का आ गया, हम यहां पे किसके लिए बनाए हैं जी, सेमी होलसेलर ले लिए, सेल्स अकाउंट, सेल्स लेजर हो गया हमारा, यहां पे हम आटा ले लिए। अब हम यहां देखिएगा लोकेशन जैसे दे दिए हमारा कहीं का भी, हो गया, क्वांटिटी दे दिए यहाँ पे 30 केजी, जैसे 30 देंगे हमको कुछ नहीं उसके बाद करना है, कितना माल रहा है डाल दिए, रेट लग गया, टोटल लग दिया। अगर हम रेट क्वांटिटी को बढ़ाते हैं 30 के जगह हम करते हैं 60, ध्यान दीजिएगा अभी 45 का है ना, है ना, फिर सिर्फ टैब हम यहाँ से कर दिए 150, कह रहा है कि निगेटिव स्टॉक क्योंकि हमारे पास 80 केजी ही माल पड़ा हुआ है, कोई बात नहीं हमको तो देखना है अभी, इंटर ये देखिए 44 का रेट और इतना डिस्काउंट, ले तो लेगा ही लेगा, हम पहले भी बताए हैं कि टैली को इस तरह से कोई मतलब नहीं है कि आपके पास स्टॉक कैसा है, ये बात कीजिए 3:11 बजे क्लास बोलेगा सर पढ़ा, हो गया, यहाँ तक समझ में आया, ये ऑटोमेटिक अब आपका ले लेगा, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया बात, इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलिए, चलिए। तो यहाँ से अगर इंटर करेंगे तो हमारा यही होगा कि निगेटिव स्टॉक में जा रहा है ये, तो कोई भी उसमें काम लेंगे तो उसके हिसाब से हमारा। अब जो आप लोगों का प्रॉब्लम था, बार बार कहते थे सर यही याद नहीं रहता है कि खरीदे कितने में थे, अब तो याद रहेगा ना, एक बार बना देंगे तो हमारा हो जाएगा, समझाए बात, हो जाएगा। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि तीनों बना लें, अल्टरेशन भी होता है आपका, रिवाइज लिस्ट होता है, मान लो कि फिर हम कोई सामान खरीद के लाए तो खरीद के लाएंगे तो पहले खरीदा हुआ एंट्री करेंगे, तो जैसे एंट्री करेंगे जो हमारा रेट है वो अपना औसत ला देगा वहां पे। अब हमको औसत करने से कि चेंजिंग करना है उसमें कि भाई रेट बढ़ गया, अब हम रेट बढ़ा के बेचेंगे, रेट बढ़ गया तो हम यहां से क्या करेंगे, फिर इन्वेंट्री इन्फो यहां पे आ गए, यहां से प्राइस लिस्ट आ गए, इंटर इंटर इंटर। अब यहां से आटा का रेट मार्केट में बढ़ गया तो हम यहां से क्या किए, यहां से रेट कर दिए कि भाई अब 48 का रेट लगेगा इनका, है ना, फिर यहां से हम 50 केजी से 100 केजी तक हम कर दिए 51 का रेट लगेगा इनका, रेट बढ़ गया मार्केट का, है ना, यहाँ से आ गए, यहाँ से कर दिए हम 51 का ही लगेगा लेकिन इतना डिस्काउंट मिलेगा,
कहाँ से 48 का रेट होगा, अच्छा उल्टा हो गया, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 51 का, यहाँ पे कर दिए हम 50, ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं हम 49 हो गया, और यहाँ से कर दिए कंट्रोल ए। अब आप बेच के देखिए, अब आप 50 के से कम अकाउंट करे थे ना, चलते हैं फिर से भाउचर्स में, यहाँ से भाउचर्स सेल, हम यहाँ से सेल करते हैं एक चीज और टिप टैप, यहाँ से जरूर ले लीजिएगा सेमी होलसेलर। अब यहाँ से हम आटा को ले लिए, लोकेशन कोई भी ले लिए, और यहाँ से कर दिए 20 केजी। अब देखिए रेट क्या लगा रहा हूँ, तो कैसे हम प्राइस लिस्ट को फिर से रिवाइज कर लेंगे, या हम फिर से उसको अगर रेट बढ़ गया तो अल्टरेशन कर लेंगे, समझ में आ गया, जिसका करना है उसका करेंगे, जिसका नहीं करना उसका छोड़ देंगे। आपके पास कितने तरह का कस्टमर आ सकता है, मैक्सिमम तो 3 तरह का ही हमको मतलब दिखाई देता है। अगर आपका केवल दुकान है तो एक ही होगा, केवल कस्टमर के लिए होगा। अगर आपका व्यापक स्तर पर दुकान है, होलसेलर है, तब 3 गो होगा। अब बोलिए इससे बड़ा किसके लिए हो सकता है। अब रहा डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपको एक ही बनाना होगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर के कोई 1 किलो दाल नहीं खरीदेगा और नहीं बेचेगा, बेचेगा नहीं बेचेगा, वो बोरी काट करके आज तराजू नहीं रखा रहेगा तोलने के लिए, वो जब बेचेगा तो होलसेलर नहीं बेचेगा। तो आपके पास कस्टमर कितने तरह का है ये तो आप डिसाइड करिए। कस्टमर भी बने उसमें भी ये लेगा, बिल्कुल लेगा। अगर फिर से मान लो कि हमको कस्टमर का बनाना है ना, फिर से हम चलते हैं यहाँ से इन्वेंट्री इन्फो, यहाँ से प्राइस लिस्ट हो गया ना, किसके लिए हमको बनाना है, यहाँ पे आके हम कर दिए कस्टमर के लिए, हो गया इंटर। फिर से हमारा आटा आ गया, यहाँ से हम आटा को ले लिए, अब यहाँ से हमारा कर दिए कि अगर वो 30 केजी तक ले रहा है तो उसको हमारा 57 का रेट लगेगा, क्योंकि हम जब भी रेट रखेंगे दुकानदार से तो अधिक ही ना रखेंगे कस्टमर के लिए, तो इस तरह से हम इसका बना लेंगे। अब बताइए कहीं कंफ्यूजन हो जाएगा, तो आपका कल का यही वर्क है।